वहीं खबरों की करते हैं तो लखनऊ में कल अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले मुलायम सिंह यादव आज शिवपाल सिंह यादव के समाजवादी सेकुलर मोर्चे के कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लोहिया ट्रस्ट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें मुलायम सिंह यादव अपने छोटे भाई शिवपाल के साथ रहे। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा कि गलत काम का विरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाई अपने छोटे भाई के साथ अन्याय करे तो उसका विरोध करो। उन्होंने कहा कि ये लोहिया जी की विचारधारा थी और मैं भी इससे सहमत हूँ। वहीं सेक्युलर मोर्चे के संयोजक शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ था और है और रहेगा भी। नेताजी हमारे साथ हैं तो हम लोग देश और प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे। इसी के बाद से एक बार फिर कयासों का सिलसिला चालू भी कर दिया गया है कि आखिर मुलायम किसके साथ है, शिवपाल सिंह के साथ या फिर अखिलेश यादव के साथ। आजादी के बारे में तो पूरा देश की जनता और दुनिया के कई देशों में भी बहुत लोकप्रिय हैं डॉक्टर राम राय। निधन के बाद भी वो ऐसे विद्वान, निर्भीक, वो अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़े हैं और गरीबों की लड़ाई हमेशा उन्होंने यही सोचा कि संपन्नता हो तो गरीब अभी सब संपन्न हो, और इसके लिए उन्होंने रास्ता भी बताया, कार्यक्रम भी बताया कि कैसे हो सकते हैं। केवल नकारात्मक नहीं कहा, एक सड़ा साकार, कैसे सब लोग गरीब हैं, गरीबी कैसे मिटेगी, रोजगार कैसे मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण था कि गरीबी तभी मिटेगी जब शिक्षा और रोजगार हो। और नेताजी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, समाजवादी सेकुलर मोर्चे को आशीर्वाद दिया है, और नेताजी ने कहा है कि अन्याय के विरोध में लड़ाई लड़नी है, चाहे बड़ा भाई भी अगर छोटे भाई पर अन्याय करता है तो उसका भी विरोध करना है। तो हम लोग ये सबको जोड़ करके समान विचारधारा के लोग जो उपेक्षित हैं, जिनको कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है, इन सबको इकट्ठा करके एक मजबूत संगठन बना करके आगे का लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और निश्चित हम। वहीं समाजवादी पार्टी से बगावत कर समाजवादी सेक्युलर मोर्चा का गठन करने वाले शिवपाल यादव पर योगी सरकार कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रही है। राज्य संपत्ति विभाग ने शिवपाल यादव को नया बंगला आवंटित किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बंगले में कभी बसपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का ऑफिस हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मायावती इस बंगले को छोड़कर इसी बंगले से सटे दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गई है और अब मायावती के पुराने ऑफिस वाले बंगले को शिवपाल के नाम पर आवंटित कर दिया गया। इस तरह से शिवपाल एक तरह से मायावती के पड़ोसी भी हो गए हैं। शिवपाल पर प्रशासन की इस मेहरबानी से कई कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि शिवपाल को ये बंगला बतौर विधायक दिया गया है। बंगले का आवंटन होने के बाद शिवपाल तत्काल बंगले में गए और वहां का निरीक्षण किया। बताया ये भी जा रहा है कि अब इस बंगले में शिवपाल अपनी पार्टी का ऑफिस बना सकते हैं। शिवपाल के नए मोर्चा गठन के पीछे बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है। वहीं पिछले दिनों यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल को अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय करने की सलाह दी थी। साथ ही सपा के महासचिव राम गोपाल यादव भी इशारों इशारों में शिवपाल पर बीजेपी के हाथों में खेलने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं इस पूरे मसले को लेकर हमारे संवाददाता सत्येंद्र ने बातचीत की है टीएस से। चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ उनका कहना था। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष टीएस बाबा हमारे साथ मौजूद है। चूंकि चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से जोर शोर से तैयारी कर रही हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की रणनीति अब कांग्रेस लेकर उतरने वाली है चुनावी मैदान में। चुनाव के पहले के
लगभग 5 सालों में जो कांग्रेस ने काम किया, जिस तरह से एक विपक्ष की भूमिका अदा करने का प्रयास किया, राशन कार्ड के मामले से लेके नान घोटाले के मामलों के अतिरिक्त गर्भाशय की जानकारी सामने आई, उसको निकालने की, आंख खोड़वा कांड सामने आया, समझिए नसबंदी प्रकरण सामने आया, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का घोटाला सामने आया, अंतर्गत टेप मामले, बहुत सारे ऐसे मामलों को लेके, आदिवासियों की जमीन की बिक्री की अनुमति के कानून का मामला सामने आया, पंचायती राज के अधिकारों के ह्रास का मामला इन 5 सालों तक चलता रहा, नगरीय निकायों में जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अधिकारियों का पिछलग्गू बना दिया गया, यानी संवैधानिक व्यवस्थाएं जो जनप्रतिनिधित्व की थी उनमें जितनी ह्रास हुई, अधिकारी राज बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ में हावी होके, मान लीजिए कि तंत्र को अपने कब्जे में लेके चल रहा हो चुने हुए कुछ चुनिंदा अधिकारी, ये बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेके कांग्रेस पार्टी पिछले 5 सालों में संघर्ष करती रही, लोगों के सामने जाती रही, इन सारे चीज़ों को घोषणा पत्र के माध्यम से सामने लाना और सरकार में आने का जब अवसर मिलेगा तो उनमें से अधिकांश चीज़ों को 90-95% चीज़ों को 5 साल के अंदर क्रियान्वित करना, ये हम लोगों की योजना है, ये हमारा लक्ष्य है और मुझे लगता है कि हम लोग जरूर सफल होंगे। सर, दो चीजें यहाँ पर मेरे को जाननी थी। एक तो प्रत्याशियों को चयन को लेकर हमने जहाँ तक पहले सुना था कि 15 अगस्त तक सूची आ जाएगी, उसके बाद थोड़ा और डिले हुआ, अभी हम सुन रहे थे कि कुछ सूची आने वाली है, कुछ सोशल मीडिया पे भी ऐसे कुछ नाम चल रहे हैं, तो इनमें कहाँ तक सच्चाई है? और दूसरी बात ये कि ये डिले क्यों हो रहा है सर, लगातार डिले होते जा रहा है, तो चुनाव सर पे ही आ गए? कुछ दबाव प्रक्रिया पे आम सोच का भी बनता है और वो मीडिया के माध्यम से भी एक दबाव बनता है कि आप जल्दी घोषित करो। मेरी व्यक्तिगत राय है कि इतने गंभीर मसले में जो छत्तीसगढ़ के 5 साल के भविष्य को तय करने वाला हो, कोई भी चीज़ ऐसी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए जिसमें थोड़े थोड़े से स्ट्रेटेजी के चूक के चलते सीटों का इतना अंतर आ जाए कि सरकार ही हाथ से चली जाए। राहुल जी ने एक स्वाभाविक मंशा, एक सच्चे दिल के व्यक्ति की जो मंशा होती है, कई लोग कहते हैं कि जल्दी करिए जल्दी करिए, तो जिनको चाहिए कि हमको पता चल जाए कि हमको टिकट मिल रहा है कि नहीं, ऐसे लोगों का विचार कई बार मीडिया के माध्यम से भी एक दबाव बन जाता है कि जल्दी से घोषणा करिए, तो बीजेपी क्यों नहीं, दूसरे लोग क्यों नहीं? एक स्ट्रैटेजी होती है चुनाव में कि अमूमन सीटों में, अब भूपेश बघेल जी के टिकट को लेकर किसको संशय है, तो टिकट पक्का है, तो ऐसे आप आकलन करेंगे तो 30-40 तो आप खुद ही तय कर लेंगे छत्तीसगढ़ में किन लोगों को टिकट मिलनी है। करीब 34 सीट का ये नाम चल रहे थे सर कि जो सिंगल नाम तय हो चुके हैं, ये मीडिया में गिरीश हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके फर्जी लेटर पैड का और फर्जी दस्तखत का कट पेस्ट करके कुछ शरारती लोगों ने एक सूची निकाल दी थी, ये सूची कभी बनी नहीं, क्योंकि स्वाभाविक है देखिए कि कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल की इतनी गंभीर निर्णय एक प्रक्रिया से चलता है। हम लोगों ने मतदान केंद्र से लोगों का मत जानने का प्रयास किया, वो मतदान केंद्र से, सेक्टर लेवल से, पोलिंग लेवल से, ब्लॉक लेवल से, जिले लेवल से, जो कोऑर्डिनेटर गए थे उनके लेवल से, फिर स्क्रीनिंग कमेटी आई उनके लेवल से, तो इस प्रक्रिया से जब हम अभी तक गए नहीं है, पूरा ही नहीं किया है, तो टिकट कैसे घोषित होगी? भूपेश भाई का मैंने कहा कि आपको मानना चाहिए कि टिकट पक्का है, लेकिन मानना चाहिए क्योंकि प्रक्रिया अभी चल रही है, तो टिकट उनका हो, मेरा हो, किसी और का हो, जिसको अत्यधिक उम्मीद है कि ये टिकट तो होना हो ही जाएगा, लेकिन जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती हम नहीं कह सकते कि ये तय हो गया, तो तय बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि जिले प्रदेश की एक इलेक्शन कमेटी होती है, उसने बैठक की, प्रदेश की इलेक्शन कमेटी ने अपने सुझाव स्टेट की स्क्रीनिंग कमेटी को दिए, स्टेट की स्क्रीनिंग कमेटी अपने प्रस्ताव को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में प्रस्तुत करेगी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में चर्चा होने के बाद में फिर अभी तक जो व्यवहार रहा है कि पार्टी अध्यक्ष अपने एक वरिष्ठ जनरल सेक्रेटरी या पार्टी इंचार्ज के साथ में, जनरल सेक्रेटरी, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, इनके साथ बैठ के फिर फाइनल करते हैं, तो अभी तो वो प्रक्रिया ही नहीं हुई है और ये कौतूहल रहता है कि हो गया या कर दो, एक जानने की भी इच्छा होती है, किंतु मेरी व्यक्तिगत भी यही राय है और
मेरा ये मानना है कि 10-15-20 सीटें ऐसी जरूर होंगी जिसमें सामने वाले प्रत्याशी को भी जान के हमको टिकट देना बहुत स्ट्रेटेजिकली जरूरी होगा। तो आज हमने टिकट किसी को दे दिया और वहां मिलना चाहिए था किसी और को, क्योंकि दूसरे तरफ से दूसरे नाम आ गए। तो ऐसी जल्दीबाजी राजनीति में नहीं होनी चाहिए, और मेरा तो निवेदन है सभी दर्शकों से और आमजनों से कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर होता है। ये नहीं है कि सिर्फ किसी का नाम तय कर दिया, नाम तय करने से उस हार जीत से छत्तीसगढ़ के सरकार बनने पे प्रभाव पड़ सकता है। तो इतना जल्दीबाजी, थोड़ा सा समय हम लोग को भी देना चाहिए कि इतने गंभीर मसले पे, क्योंकि स्ट्रेटेजी ये कहती है अगर छत्तीसगढ़ में त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो क्या आपका स्टैंड रहेगा? अगर समान विचारधारा के दल जब नहीं रहते हैं तो दोबारा चुनाव होना चाहिए। आप मतलब मानते हैं कि दोबारा चुनाव होंगे अगर त्रिशंकु बनी? यदि समान विचारधारा के, जोगी जी के मैं नाम लेके बोल देता हूँ, शायद आप जोगी जी की बात कहना चाह रहे हो। जोगी जी से हमारे व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान भी करूंगा, मेरे बड़े भी रहे हैं और समय हमेशा आदर पूर्वक हमने उनका उनके साथ संपर्क रखे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से हमारा उनके साथ कहीं तालमेल नहीं हो सकता। सर बहुत, तो ये थे हमारे साथ टीएस बाबा, जिनका साफ कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ में त्रिशंकु विधानसभा बनेगी तो वो जनता कांग्रेस से गठबंधन करने की बजाय सीधे चुनाव में दोबारा उतरने के लिए तैयार रहेंगे। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को शीर्ष अदालत से झटका लगा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने याचिका में वोटर लिस्ट की समीक्षा और लिस्ट में टेक्स्ट फॉर्मेट में देने की मांग की थी। वहीं राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी अपनी याचिका में वोटर लिस्ट की समीक्षा की मांग की थी। दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव में 10% वीवीपीएटी पर्ची के ईवीएम से मिलान की भी मांग की थी। तो कांग्रेस नेता ने कहा है कि वो राज्य की मतदाता सूची में करीब 60 लाख फर्जी मतदाताओं की पहचान कर चुके हैं। मतदाता सूची में भारी तादाद में फर्जी मतदाताओं के मौजूद होने के बारे में कांग्रेस ने आयोग को 3 जून को जानकारी दी थी। आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ चुनावों से विपक्षी दल ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका जताते रहे हैं। वहीं सरकार और चुनाव आयोग का दावा है कि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। राजस्थान में 7 दिसंबर को और मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने वीवीपैट से चुनाव कराने की घोषणा भी की है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरजेडी के मुखिया और चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव पर करीब 200 पेज की किताब लिखी है। किताब का नाम लालू लीला रखा गया है। सुशील मोदी ने इस किताब में लालू और उनके परिजन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया गया है कि आरजेडी मुखिया और उनके परिवार के लोगों ने बिहार और बाकी राज्यों में अवैध तरीके से 141 जमीनें, 30 फ्लैट और लगभग आधा दर्जन मकान अपने नाम पर जुटाए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम ने इस किताब में लालू के 15 सालों के शासनकाल के दौरान सूबे की खस्ता हालत के बारे में बताया है। इसके साथ ही बिहार की सियासत गर्म हो गई है। राजद ने किताब को झूठ का पुलंदा करार दिया है। राजद ने कहा है कि इस किताब का नाम सुशील की साजिश होना चाहिए। पुस्तक पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की टिप्पणी अभी नहीं आई है, लेकिन राजद के अन्य नेता लालू के बचाव में उतर आए हैं। साथ ही राजद प्रवक्ता चित्रंजन गगन ने कहा है कि पुस्तक का नाम विषय वस्तु के आधार पर किया जाता है। सच ये है कि इस पुस्तक में सुशील ने लालू प्रसाद के खिलाफ मोदी एंड कंपनी की साजिशों को संकलित किया है और इस लिहाज से किताब का नाम सुशील की साजिश होना चाहिए था। We'll be right back.
वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अमित शाह जो है बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, गरीब से लेकर तवंगर तक, रोडपति से लेकर करोड़पति तक, सब जयप्रकाश जी के नेतृत्व में एकत्रित आए थे और कांग्रेस की सरकार की ईंट से ईंट बजा दी थी। आज वो जयप्रकाश जी का जन्मदिन, और उसी शुभ दिन पर मैं छत्तीसगढ़ के महान संगठन के नींव ऐसे मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं के सामने उपस्थित हूं, इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद। मित्रों, अभी धर्म जी और रमन सिंह जी बता रहे थे कि पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, ये बात सच भी है और हम सबके लिए गौरव की भी बात। परंतु आज जब यहां आकर बैठकर देखते हैं, 10 सदस्यों से शुरू हुई हमारी भारतीय जनता पार्टी 11 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनी है, तब हमें आनंद तो जरूर होता है। देश में सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार। देश में 19 राज्य सरकारें हैं, 19 राज्य सरकारों के तहत देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहर रहा है, बड़ी शान के साथ फहर रहा है। और इसी समय ये छत्तीसगढ़ का चुनाव आ, 3 बार सरकार बनाने के बाद 4थी बार सरकार बनाने के लिए हम जंग के मैदान में। मैं मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ के चुनाव से सिर्फ छत्तीसगढ़ में सरकार बने, ऐसे बहुमत से चुनाव करना है क्या? जरा जोर से बोलिए। हर बार 2-3 सीट से जीतते हैं, इस बार 2-3 सीट से जीतना है या 65 पार करना है? जरा जोर से बोलिए, 65 पार करना है। मैं मेरे सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं, देश भर के कार्यकर्ताओं की छत्तीसगढ़ पर नजर। छत्तीसगढ़ का चुनाव सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, 19 सरकारें बनने के बाद भी दूर सुदूर कहीं बंगाल में मेरा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ पर नजर टिकाए हुए बैठा है।